Okay, now we are going to talk about hard water and soft water. So, I hope all of you must have heard about hard water. So, what is this hard water? Many people think, sir, hard water matlab, you know, something which is very hard. We can hit this water to somebody. No, no. We are using the word hard because it is very hard to wash the clothes in that hard water. So, why is it hard? So, let us try to understand. What is this hard water? What is this soft water? See, from the natural resources, if you say, na, so the rain water is almost a pure form of water, considered as suitable for drinking, fine. So now hard water and soft water over here is not based on whether we can drink it or not. Uski baat nahi ho rahi hai. The main point is whether we can wash the clothes in that water or not, whether it is suitable for laundry or not. So dekhiye kya hota hai, what is the impurity in water or what is the impurity in hard water? We have got two cations, calcium and magnesium. Okay, these cations are very naughty cations, bade badmash cation hai. Inke jo compounds hai, like bicarbonate, this is calcium bicarbonate, this is magnesium bicarbonate, this is calcium chloride, this is magnesium chloride, this is calcium sulfate, magnesium sulfate. Okay, ab ye jo salts hain, if these salts are present in the water, if these salts are present in the water, they do not let the soap lather, yani ki sabun mein jhag nahi banne dete. Kyun nahi banne dete bhai, aisa kya hota hai sabun ke andar, to isko samajhte hain. देखो बेटा, साबुन जो होता है उसमें सोडियम स्टेरेट होता है, C17H33COO-Na+, ठीक है, C17H35COO-Na+, दिस इज सोडियम स्टेरेट. स्टेरेट कहां से आता है? फ्रॉम स्टेरिक एसिड. स्टेरिक एसिड क्या है? फैटी एसिड्स जो होते हैं वो है बेटा, ठीक है. तो फैटी एसिड्स के दो जो हैं सोर्सेज होते हैं, देयर टू सोर्सेज ऑफ फैटी एसिड, वन इज एनिमल फैट एंड सेकंड इज दैट यू प्रोड्यूस सिंथेटिक इन द लैब. सो व्हाटएवर सोप्स दैट यू सी टुडे ऑल आर सिंथेटिक, ठीक है. तो दे आर नॉट नेचुरल एसिड्स, दे ऑल आर सिंथेटिक. ओके, तो अब व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू, अब जैसे जो भी सोप है, डिटर्जेंट है, आपने उसको पानी में डाला, फाइन. सो दे विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव आयंस. So, if these calcium and magnesium ions in their respective format, whether bicarbonate or chloride or sulfate, are present in the solution, so kya hoga beta? 2 plus, suppose we have got CaCl2. So, it will form C17H35COO-Ca aur ye precipitate kar jayega, plus 2NaCl. Kya karta hai? Precipitate kar deta hai, theek hai. तो इस वजह से क्या होगा बेटा, इस वजह से क्या होगा कि आपका जो जो सब्सटेंस, जो आयन, ये जो कपड़े का जो मैल है, जो डर्ट और डस्ट है, उसको सेपरेट आउट करने वाला था, वो खुद ही प्रेसिपिटेट हो गया. एंड दिस इज टर्म्ड एज स्कम, दिस इज टर्म्ड एज स्कम. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है. सॉफ्ट वाटर जो होता है, दैट विल गिव, सॉफ्ट वाटर विल गिव, आई मीन विल नॉट प्रेसिपिटेट दिस स्टेरिक आयन, और वो इजीली आप उसको वॉशिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज हार्ड वाटर एंड व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, ठीक है. अब क्या होता है कि क्वेश्चन अराइज होता है, सर इसको सर रिमूव कैसे करेंगे, सर ये तो बड़ा गलत है. सो हाउ डू यू रिमूव दिस हार्डनेस? तो देखो, दो चीजें हैं बेटा. इफ द हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ दीज बाइकार्बोनेट्स,
इफ इट इज दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बाइकार्बोनेट्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस. एंड इफ इट इज बिकॉज ऑफ दीज वी कॉल इट एज परमानेंट हार्डनेस. सो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस. ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, तो देखिए बेटा बायकार्बोनेट्स में एक पॉइंट होता है, आप अगर इसको हीट करते हैं ना, आप अगर इसको हीट कर देंगे तो ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे बना ले, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ CaCO3 एंड विल फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज. सो दिस इज हाउ बाय सिंपली बॉइलिंग यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट दिस बाइकार्बोनेट इनटू CaCO3. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की अगर आप बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए, काफी बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं. यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता है बेटा, हेयर यू गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लीज रिमेम्बर, हेयर यू आर गेटिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस यू विल बी गेटिंग 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मेनी पीपल कमिट मिस्टेक ओवर है, हेयर यू आर गेटिंग CaCO3 बट हेयर यू आर नॉट गेटिंग CaCO3. ओके, सो फर्स्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इज बाय बॉइलिंग. ओके, यू जस्ट बॉइल दिस वाटर एंड देन फिल्टर इट आउट. आप उसको फिल्टर करेंगे तो जो भी प्रेसिपिटेट यहां पर आएगा वो आप रिमूव आउट कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. अच्छा, इसमें सेकंड क्या होता है बेटा, सेकंड इज क्लार्क्स मेथड. अब आप समझ गए होंगे बेटा हम लोगों को करना क्या है, व्हाट बेसिकली वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव आउट दिस बाइकार्बोनेट फ्रॉम हियर, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो हम देखिए ये जो CaCO3 है ये प्रेसिपिटेट कर गया, ये MgOH होल्ड वाइज जो ये भी प्रेसिपिटेट कर गया, तो सॉल्यूशन के अंदर ना तो कैल्शियम आयंस बचे हैं ना मैग्नीशियम आयंस बचे हैं. फाइन, वो सॉल्यूशंस के अंदर एग्जिस्ट कैसे कर रहे थे, दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ देयर बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड एंड सल्फाइड. तो हमने हीट किया तो बाइकार्बोनेट निकल गया और कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट हो गए. राइट, तो अब मुझे किसी भी तरीके से प्रेसिपिटेट करना था, एक तरीका तो मैंने क्या किया बेटा, दैट आई हैव हीटेड इट आउट. व्हाट कैन बी द अदर वे अराउंड, that I can react it with something which helps in the elimination of or which helps in the precipitation of these salts. एक तो heat करके निकाल दिया, दूसरा ये है कि मैं किसी ऐसे compound से reaction करा दूँ कि वो CaCO3 को precipitate कर दे. ठीक है, तो बेटा क्या करना होता है, this calcium bicarbonate can be reacted with calcium hydroxide. आप अगर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे सो दिस विल फॉर्म CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा और साथ में आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल. ओके, देखो दिस इज टर्म्ड एज क्लार्क्स मेथड. ओके, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग है, ये वाला रिएक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है. व्हाट विल हैपन अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे, इवन नाउ विल फॉर्म CaCO3, यहां पर भी CaCO3 बनता है. ओके, एंड यू विल बी रिक्वायरिंग 2 moles ऑफ CaOH होल ट्वाइस बिकॉज देर आर 2 CO3 प्लस यू विल बी गेटिंग MgOH होल ट्वाइस, दिस विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट और साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा. ठीक है, बैलेंस करते हैं हम लोग, तो हमें दिखता है यहाँ पे 2, 2, 4, या सो यू गेट 2 water molecules. सो दिस इज हाउ यू विल बी रिमूविंग दैट टेम्परेरी हार्डनेस. अंडरस्टूड? ओके, चले अभी नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस.
ठीक है, ये बॉइलिंग से कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग विल हैपन इफ यू बॉइल दिस, बिकॉज क्लोराइड और सल्फाइड जो है इस तरीके से डिसोसिएट नहीं होंगे जैसा कि वो हुआ था, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ये तो आप समझ ही गए, देखिए हीटिंग यहीं पे काम कर रही है, यहाँ तो हीटिंग काम नहीं करेगी, इवन फॉर टेम्प्रेरी हार्डनेस वी हैव टू यूज केमिकल्स, तो यहाँ पर भी परमानेंट हार्डनेस में भी वी हैव टू यूज केमिकल्स फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पर हम लोग, कि हम लोग यहाँ पर रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हैं, इसीलिए कपड़े धोते समय ये डाला जाता है ताकि अगर कोई हार्डनेस है तो उस हार्डनेस को रिमूव किया जा सके। यू आर एडिंग दिस सो दैट इफ देयर इज एनी हार्डनेस इन वाटर इट कैन बी रिमूव्ड, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, ओके। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज आई हैव गॉट दिस CaCl2, नाउ व्हाई आई एम नॉट यूजिंग कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट बिकॉज ये परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स, राइट। सो CaCl2 लिया मैंने, इसको आई एम रिएक्टिंग इट विद Na2CO3, सिंपल सा इक्वेशन, यू कैन सी Cl2 गोज विद Na, सो CaCO3 गेट्स प्रेसिपिटेटेड प्लस यू गॉट 2 मोल्स ऑफ NaCl, राइट, गॉट द पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से सपोज आई एम टेकिंग मैग्नीशियम सल्फेट, एक का क्लोराइड ले लिया, एक का सल्फेट ले लेते हैं, रिएक्शन हो जाएगा, यू रिएक्टेड विद Na2CO3, सो व्हाट डू यू सी नाउ, MgSO4 Na2, सो यू गेट Na2SO4 प्लस MgCO3 precipitates, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस बाय रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा। सेकेंड ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम मेनी अ टाइम, इट इज बेसिकली द कैल्गन मेथड। व्हाट इज दिस कैल्गन एक्चुअली, इस कैल्गन को समझिए बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। कैल्गन इज नथिंग बट Na6, सी सोडियम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है बेटा ये P6O18, एंड इफ यू एक्चुअली सी दिस कंपाउंड इट इज 2Na+ प्लस Na4 P6O18 2-. सो बेसिकली जब आप इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, यू विल बी रिमूविंग दिस कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। आप सिंपली जो है इसको यहां से निकाल देंगे, तो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रिएक्टिंग अगेन से नाउ आई विल टेक CaSO4 प्लस Na6 P6O18, तो क्या बन जाएगा बेटा यहां पर Na2SO4 प्लस CaNA4 P6O18 एंड दिस विल गेट प्रेसिपिटेटेड, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा बेटा, ठीक है। Or if you are taking MgCl2, same way you can react. This will form 2 moles of NaCl plus you will be getting 2 MgP6O18 2-, ठीक है। बेसिकली दिस आयन इज गोइंग टू रिएक्ट, सो इट शुड बी Na4 2-, सो दिस विल बी 2-. छोटा सा करेक्शन देख लीजिएगा, दिस कैल्गन डिसोसिएट्स टू गिव दिस Na4P6O8 and from this Na4, 2Na will move out to combine with SO4 forming Na2SO4 and thus you got this particular ion, ठीक है। और ये जो दो Na+ आयन है, they are still bonded over here. I mean, eventually you will get CaNA4P6O18, लेकिन inside this bracket you have got this, okay? This is called as the Kalgan method for the
precipitation or the removal of the permanent hardness of water. This is very, very important. ठीक है, इसके बाद आता है बेटा द आयन एक्सचेंज मेथड. यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स को रिप्लेस कर देते हैं. कैसे करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स को एक्सचेंज? हेयर वी यूज समथिंग कॉल्ड एज अ जियोलाइट और म्यूटेड. Do you use zeolite or permutant? अब ये zeolite या permutant क्या होता है बेटा? ये sodium aluminium silicates होते हैं. ठीक है, तो अब देख आप यहाँ पे देख के समझ ही गए होंगे. This is Na plus ion, this is minus, this is plus. तो अब calcium ions को यहाँ से self substitute करना है. तो क्या है, suppose if the solution is having C2 plus ion, I'll take 2 moles of Na, AlSiO4. Okay, this will replace with this, so we'll get 2Na plus plus Ca AlSiO4 whole twice. ठीक है बेटा, fine. और ये आपका solid form में आ जाता है, तो solution में से remove out हो गया. ये पहले भी solid होता है, सिर्फ क्या होता है, from this solid this Na plus ion goes out, this calcium ion moves in और magnesium ion moves in. इसको बोला जाता है बेटा ion exchange method और also termed as the zeolite or permuted method. ठीक है बेटा, अब अगर आपने क्या किया, you keep on using it for a longer period of time, आपने इसको बहुत सारा use कर लिया, ये अब reuse भी किया जा सकता, it can be reused or recycled. तो recycle कैसे करते हैं इसको हम लोग, you will use NaCl और NaCl को इससे pass कर देंगे, तो वापस से ions will be exchanged and you will be getting CaCl2 plus 2NaAlSiO4 ready for use once again. Clear hai beta? Okay. सिमिलर टू दिस आयन एक्सचेंज मेथड, इसमें जैसे हमने ये ज़ियोलाइट और परम्यूटेड का यूज किया है, सिमिलर टू दिस इज सिंथेटिक रिजन मेथड. सिंथेटिक रिजन मेथड होता है बेटा. ओके, तो यहां पर वी आर यूजिंग सिंथेटिक रिजन्स रादर देन यूजिंग दिस ज़ियोलाइट और परम्यूटेड. तो यहां पर बेटा हम अल्काइल सोडियम ये आयंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है हाउ डू यू गेट दीज रेजिन्स. तो बेसिकली हमारे पास ये सल्फोनिक एसिड्स होते हैं बेटा, RSO3H, इसका जब हम लोग NaCl से रिएक्शन कराते हैं ना, तो वी गेट दिस. दीज आर टर्म्ड एज सिंथेटिक रेजिन्स. ये जो सिंथेटिक रेजिन्स हैं बेटा, इनको आप रिएक्ट कराते हैं. सपोज आपके पास किसी टू प्लस आयंस है, तो क्या हो जाएगा बेटा, Na प्लस और कैल्शियम आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे. दिस इज R2 कैल्शियम प्लस 2 Na+. ठीक है, तो अभी हमने यहां पर क्या किया बेटा, जो कैटायन पार्ट है उसको हम लोगों ने यहां पर जो है एक्सचेंज कर लिया, राइट? ठीक है बेटा, फाइन. और दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास ये है जैसे RH, तो इसको हमने Ca2 plus ion से एक्सचेंज किया, तो R2Ca plus 2H plus ऐसे कर लेते हैं. तो यहाँ पे कैटायन जो है वो आपका एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है बेटा, दैट इज एक्सचेंजिंग विद H plus. ठीक है, और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल अमीन्स का यूज कर लेते हैं. अल्काइल अमीन्स जो हैं, व्हेन यू ऐड देम टू वाटर बेटा, इट विल फॉर्म RNH3 प्लस OH माइनस. तो यहाँ पर ये जो एनायन है इसका एक्सचेंज हो जाता है. अब सपोज कीजिए जो हमारा हार्ड वाटर है, दैट हार्ड वाटर इज कंटेनिंग द Cl माइनस आयन, तो क्या होगा बेटा, ये एक्सचेंज हो जाएगा.
So you'll get this plus OH minus. तो पहले वाले सॉल्यूशन से व्हाट डिड यू गॉट, यू गॉट H plus, दिस सॉल्यूशन यू गेट OH minus N. ये H plus और OH minus N कंबाइन करके दे विल फॉर्म वाटर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंथेटिक रेजिन मेथड वेयर वी आर यूजिंग रेजिन्स लाइक दिस दिस और दिस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. राइट, so basically we have what we have talked about, let me just summarize. We have talked about first of all what is hardness. So hardness is because of the ions of or the salts of calcium and magnesium. If it is because of the bicarbonate ion, it is temporary hardness. If it is because of chloride and sulfate, it is permanent hardness. Because of the hardness, the stearic acetate converts into a scum, that is, that means it precipitates and thus we are not able to laundry or wash our clothes properly. तो इसको treatment करना पड़ता है. Treatment करने के लिए temporary hardness में हम bicarbonate को heat कर देते हैं, we get respective carbonate और hydroxide. या फिर chemical treatment कर देते हैं calcium hydroxide के साथ, we get calcium carbonate और we get magnesium hydroxide. और calcium magnesium ions हमारे system से eliminate हो जाते हैं, so the water becomes soft. But in case of the permanent hardness, what is happening? We have to use chemicals only. Boiling से काम नहीं चलता है. पहले washing soda डाल करके आप calcium और chlorine ion को निकाल सकते हैं. Then you can use Calgon. इससे आप जो है calcium को eliminate out कर सकते हैं. Then you can use zeolite, जिसमें ions exchange हो जाते हैं. Right? And then you can use synthetic resin methods, जो कि ions के साथ H plus और cation के साथ और anion के साथ OH minus ion exchange कर लेते हैं. So the salts can be easily eliminated out from the hard water and thus water can be treated to be soft. Okay?